अस्सलामुअलैकुम बीटीवी न्यूज के साथ मैं हुराबिल अशरफ, शामिल करते हैं बीटीवी हेडलाइंस। इस्लामाबाद में मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चारों वज़राए आला से मुलाकात, कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तरजीहात मुकर्रर की हैं, कोशिश कर रहे हैं और शहरी को वैक्सीन लगाई जाए। वज़राए आला से सूबों में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से कबल मेजबान जनूबी अफ्रीकी टीम को धचका, टी20 सीरीज से कबल जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन वेंडर डाउसन टी20 सीरीज से बाहर हो गए। डाउसन तीसरे वनडे से कबल साइड ऑस्ट्रेलियन का शिकार। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका टीम के कप्तान टिम्बा पाउमा भी अनफिट। किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अजायम नहीं, पाकिस्तान इलाकाई तआवुन के लिए कोशा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रूस के साथ बेहतर दिफाई तालुकात के कयाम के ख्वाह हैं। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन समेत इलाकाई सिक्योरिटी, बिलखसूस अफगान मफामती अमल पर तबादला ख्याल। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 98 अमवात और 5329 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमुई तादाद 15124 तक पहुंच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमुई तादाद 7,05,229 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 66,994 है और 6,23,399 अफराद कोरोना से सेहतयाब। 32% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दे दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 20% ने बेरोजगारी तो 10% ने गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तान के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। IPSOS पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक चारों सूबों में आवाम ने महंगाई की दुहाई दी। हुकूमत ने HEC की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने HEC से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। सदर आरिफ अलवी आज ऑर्डिनेंस की मंजूरी देंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल के लिए और मेम्बरान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। रवा माह कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। पार्लियामानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने कहा है कि 40 लाख साइनोफॉर्म वैक्सीन की तैयार डोज होंगी। चीनी माहिरीन के तावन से 30 लाख डोज मकामी सतह पर तैयार की जाएंगी। नौशीन हामिद का कहना था कि पाकिस्तान में निजी शोबे पर वैक्सीन की दरामद पर कोई पाबंदी या रुकावट नहीं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक शुरका को बैनुल अक्वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NDU की सालाना नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तमाम मकातिबे फिक्र के नुमाइंदे शरीक होते हैं। शाहीनों का प्रोटीज बॉलर्स पर लाठी चार्ज, फैसला कुन वनडे में मेजबान टीम को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया। ओपनर फखर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, हसन अली की 11 गेंदों पर 32 रन की धुआंधार इनिंग। जनूबी अफ्रीका बॉलर्स केशु महाराज ने 3 विकेटें हासिल की। फखर जमान ने तीसरे वनडे में भी जनूबी अफ्रीका बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 101 रन की इनिंग्स खेली, 9 चौके 3 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम ने भी शानदार 94 रन बनाए। वो 6 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, मैच की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। और चीन के शहर सिचुआन में सिचुआन कौंसिल खाना और सिचुआन में पाकिस्तान स्टडी सेंटर के जेर एहतमाम दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। मैच का मकसद सूबाई कौंसिल बराए बैनुल अक्वामी सरमायाकारी SPCCI और पाकिस्तान सिचुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कराई। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।